गाइस वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल की स्टडी। आई एम पूजा और आज है सैटरडे। सैटरडे इज अ आर्ट डे। तो आज मैं एकदम नया तरीका लाई हूँ बच्चों को हम कैसे कलरिंग सिखाएं। तो ये देख रहे हैं मैंने ये यहाँ पे कुछ स्टेंसिल बना रखे हैं और इसमें ये लाइन वाले स्टेंसिल है, इसमें कर्व लाइन्स है, स्लीपिंग लाइन्स है, स्टैंडिंग लाइन्स, इनफैक्ट सारे लाइन्स के मैंने यहाँ पर स्टेंसिल बना लिए। तो ये स्टेंसिल मैंने इस कार्डबोर्ड ये जो बॉक्स दिख रहा है इसकी हेल्प से बनाया है। तो इस तरह आपके घर में बॉक्सेस होते होंगे सामानों के, तो आप उनसे ये DIY स्टेंसिल बना सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ इसका यूज़ कैसे करना है। तो हमें लेना है वाटर कलर और अपनी फिंगर टिप की हेल्प से यहाँ हमें कलरफुल कुछ डॉट बना लेने हैं। और ये डॉट आप बच्चे से भी बनवा सकते हैं, पहले आप एक करके उन्हें ज़रूर दिखाएं, उसके बाद बाकी उनसे कराएं, तो साथ में वो वाटर कलर का भी यूज़ करना सीख जाएंगे। और इसके बाद ये देखिए हमें ये जो जब ड्राई हो जाए तो ये स्लीपिंग लाइन वाला जो स्टेंसिल्स हमें लेना है और बच्चे को इसको इसमें इस तरह से क्रेयॉन्स की हेल्प से कलर करना है। तो इससे होगा क्या, देखिए जो बच्चों का हाथ इधर उधर भागता है ना, चाहे लिखते समय हो या कलरिंग करते समय, वो भागेगा नहीं, वो धीरे धीरे कंट्रोल होने लगेगा, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उन्हें इसी एरिए में ही अपना जो कलर है यूज़ करना है। तो इससे एक तो उनकी ड्राॅइंग भी क्लीन रहेगी, साथ में वो काफ़ी अच्छे से सीखेंगे भी। और क्योंकि कलर करने के तरीके बदलिए, क्योंकि बहुत नए नए तरीके हमें अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, एक्टिव हैं। तो इस तरह से आप उन्हें ज़रूर दीजिए ये एक्टिविटी, उन्हें भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। और ये है मेरी दूसरा जो हम स्टेंसिल का यहाँ पे वर्क करेंगे। तो मैं आपको हर एक स्टेंसिल का यूज़ करना बताऊँगी, आप कैसे उनको ड्राॅइंग दें बच्चों को। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे फिश बना लिया है थंब की हेल्प से, और इस तरह से बच्चों के यहाँ पे देखिए स्लीपिंग लाइन को ड्रॉ करना है। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है ये ड्राॅइंग। अब हम बनाएंगे अपनी तीसरी ड्राइंग। तो इस तरह से यहाँ पे मैं फ्लावर बना रही हूँ, आप एक बच्चे को ज़रूर बनाने के दीजिए, जैसे मैं बोल रही हूँ एक पहले आप बनाएं फिर बच्चे को बनाने के दीजिए। और इस तरह से देखिए हम ये लीव्स बना लेंगे। और ये जो मतलब हाथ से बनाना होता है फिंगर टिप से, बहुत सिंपल होती है ड्राॅइंग, ये बच्चा भी कर लेगा। और इस तरह से फिर देखिए हमें स्टैंडिंग लाइन की स्टेंसिल का यूज़ करना है। तो इससे बच्चे को देखिए बहुत जल्दी वो कलरिंग करने लगेगा, साथ में बहुत ज़्यादा वो क्रिएटिव भी होगा। अब हम यहाँ पे अपनी चौथी स्टेंसिल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ मैंने रूई की हेल्प से यहाँ पे क्लाउड बना लिया है। तो यहाँ पे मैं स्लैंटिंग लाइन का यूज़ करूँगी। तो स्लैंटिंग लाइन देखिए मैंने इस तरह से दो तरीके से बनाई है, इस तरह डैश डैश करके और एक बिल्कुल डायरेक्ट मतलब सीधी लाइन का। इसी तरह मैंने स्लीपिंग लाइन को भी बनाया था। और ये देखिए हमारी क्लाउड भी रेडी हो गए, बारिश हो रही है तो अच्छी लग रही है। अब हमारी लास्ट बची है कर्व लाइन्स। तो कर्व लाइन्स का वर्क देखिए कैसे देना है बच्चों को। यहाँ पे मैं बैलून ड्रॉ कर लूँगी और इसकी जो थ्रेड होता है मतलब डोरी, इसको इस तरह से हम कर्व लाइन्स में बना लेंगे। तो इस तरह से आप बच्चों को कलरिंग करना सिखाइए, उन्हें भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। अगर आपको आज का हमारा ये जो यूनिक तरीका है पसंद आए यार, तो वीडियो को एक लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।